हाँ जी, आ गए सब लोग। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए, और तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा भाई है क्रिएटिव। क्रिएटिव तो ठीक है, पर अब हो रहा है क्लास का टाइम और यहाँ हो जाती है सारी क्रिएटिविटी ख़त्म। दूसरा पैर ऐसे को है, ऐसे को कैसे मुड़ा हुआ पैर, इस साइड गलत वाले। रफल हमें एक स्टोरी सुना रहा था कि नहीं बताना, वो नहीं बता सकते। तो समझ नहीं आ रहा यार आज क्या तुम्हें दिखाएं। जब मैं ब्लॉग करने लगा था एक्चुअली, आज मैंने सोचा था अपने एनिमल्स की तुम्हें उनका घर दिखाऊं और उनकी चीज़ें बताऊं और खाना पीना जो भी चीज़ें होती हैं वो दिखाऊं, पर तभी मेरे को डीटी ऑफिस जाना पड़ा के फोन दिया थे। ओह हाँ सच, ये चीज़ भी देख लो। तो स्टोरी ये है कि हमारी कॉलोनी में किचन गार्डन है, जैसे ये वो एरिया तुम्हें दिख रहा है सारा, ये हमारे किचन गार्डन का एरिया है, और सामने तुम्हारे बैडमिंटन कोर्ट है जहाँ से आंटी मुस्कुराते हुए गई अभी, लाल रंग की। हाँ तो अभी ये जो एरिया था ये भी किचन गार्डन था, बट यहाँ आज चल गया है जेसीबी का, क्या कहते हैं उसे, क्रेन नहीं, जेसीबी चल गया है, जेसीबी चल गया, क्योंकि यहाँ उनको बनाना है कोर्ट। सारी हरियाली ख़त्म कर दी गई है गाइस। व्हाट इज़ दिस, जस्टिस फॉर कस्टम कॉलोनी, ये स्टार्ट करना पड़ेगा। बन रहा है, झाड़ था वैसे फालतू का। ये देख रहे हो यूथ का हाल, कह रहा है कि अच्छा गया आपने हरियाली काट के बैडमिंटन का कोर्ट बना रहे हो। भाई वो झाड़ था वो फालतू का। बैंगन के पौधों, भिंडी के पौधों को झाड़ कहा जा रहा है, ये वैल्यू सिखाते हैं। ओए लगे नहीं थे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, मेंटेन करना पड़ता है गाइस। अब क्या बोले, अगर यूथ ही हमारा ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है ऐसी गंदी गंदे एक्ट को, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। पर कॉलोनी वाले काफ़ी परेशान थे कि यार ये क्या कर दिया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, सरकारी ऑर्डर से ही होता है, ऐसे बेकार में तो होता नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तुम्हें आज दिखानी थी मैंने एनिमल्स की चीज़ें, बट उसी समय मेरे को जाना पड़ा DTO के ऑफिस लाइसेंस का काम करवाने, जो कि तुमने पिछले और उससे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। तो लाइसेंस वाला लाइसेंस मेरे को मिल गया लकीली, और DTO ऑफिस में एक बंदा था जो मेरे को पर्सनली जानता था और उसने थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो बस खत्म आज का व्लॉग, इतनी जल्दी नहीं। हाँ जी, बाकी एनिमल्स तो आपने देखे नहीं, तो आप इससे मिलो, ये है कालू, इसको चाटने की बड़ी आदत है। ये देख रहे हो ये, और ये अजीब अजीब ना पिग जैसी आवाज़ें निकालता है कुत्ता ही, पर आवाज़ें पिग जैसी निकालता है, और ये अभी पीछे ही पड़ जाएगा, अब इसको चाटते ही चाटते रहना है। पर दिल दा नहीं माड़ा कालू। इससे पहले तुम ये बोलो कि यार समर तू ये कहाँ पे ले आया हमें इतनी ऊपर छत पे, तो यार ये वो जगह है जहाँ पे मैं रात को कभी कभी बैठ के थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ आराम से, बिकॉज काफ़ी लोनली जगह है और शांति है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शांति है। ऊपर से ये जो तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड आ रहा है वो भी तुम देख रहे हो कितना एस्थेटिकली प्लीजिंग है, तो कोई भी थकावट हो दिन की या फिर वैसे ही नकुल साथ हो और उसके साथ चिल मार रहा हो, तो यहाँ पर हम रात को आ जाते हैं 11-12 बजे तक, आप बैठो आराम से चलो। तो काइंड ऑफ फिफ्थ फ्लोर है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हवा चलती है, मज़ा आता है। आज के दिन का सम अप ये है, दिन निकल गया है, रात हो गई है, व्लॉग तुमने देख लिया है,
इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ ज़्यादा भी नहीं था। और बस यार ये था कि ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा ही प्लेन गया। उससे पहले ब्लॉग में मैंने बोला था ये वाला ब्लॉग प्लेन गया, बट ये वाला एक्चुअली काफ़ी प्लेन गया है। एंड सही है यार, क्योंकि एक्चुअली मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ जो मेरे साथ असलियत में हो रहा है। तो मैं किसी भी चीज़ को कुछ पुश नहीं कर रहा कि यार मेरे को ये चीज़ अलग से दिखानी है, या मैं स्पेशली कहीं जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें मेरी डे टू डे लाइफ में आ रही है मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला 7 days 7 vlogs, तो यही 7 days की मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कोई आगे पीछे नहीं कर रहा। तो यही था, ये व्लॉग जितना छोटा था इसकी एंडिंग भी हम उतनी छोटी रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बात भी नहीं है करने को। तो यार लास्ट चीज़ जो रह गई है वो तुम्हें पता है, पॉजिटिव कमेंट का शाउट आउट। इस व्लॉग के पॉजिटिव कमेंट का शाउट आउट जाता है तेज 4444 गेमिंग YT को, जो कि तन्मय का भाई है। तो यार आई एम सॉरी, मैं तेरा कमेंट पढ़ नहीं पाऊँगा, बिकॉज मेरे ऊपर जो ये फ्लैश लाइट पड़ रही है वो मेरे मोबाइल से पड़ रही है, और मेरा मोबाइल में ही कमेंट है, तो वो स्क्रीन में फ्लैश हो गया कमेंट अभी, तो तुम पढ़ सकते हो उसको। थैंक यू सो मच तेज फॉर द सपोर्ट। ऐसे ही करते रहो यार, तुम भी पॉजिटिव कमेंट्स डालते रहो, मैं उनका शाउट आउट करते रहूँगा, थोड़ी सी कम्युनिटी बनी रहेगी, आपस में कनेक्शन बना रहेगा। अनटिल देन, पीस आउट।